हाँ हेलो। हाँ गुड इवनिंग क्लास, दिस इज अशोक कुमार मिश्रा, ट्रेनिंग ऑफिसर फ्रॉम एनएसटीआई भुवनेश्वर। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेलकम टू ऑल पार्टिसिपेंट्स एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू निमी टीम फॉर प्रोवाइडिंग मी अ प्लेटफॉर्म टू इंटरेक्ट विद ऑल ऑफ यू। टुडे माय टॉपिक इज डिस्क्रिप्शन ऑफ लेथ मशीन एंड देयर पार्ट्स। तो फ्रेंड्स आइए हम शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। आज का मेरा टॉपिक है डिस्क्रिप्शन ऑफ लेथ मशीन एंड देयर पार्ट्स। लेथ मशीन का डिस्क्रिप्शन और इसके पार्ट्स। तो आज हम अपने इस टॉपिक में लेथ मशीन के बारे में किन-किन बातों पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन ऑफ लेथ मशीन के इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ लेथ मशीन के वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में बात करेंगे। डिस्क्रिप्शन ऑफ लेथ मशीन के डिस्क्रिप्शन के बारे में बात करेंगे। आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट्स एंड देयर एप्लीकेशन, इसके जो पार्ट्स हैं उनके आइडेंटिफिकेशन के बारे में और उनके एप्लीकेशन के बारे में कि उन पार्ट्स का क्या एप्लीकेशन है, क्या उनका यूज़ है। लेथ मशीन का क्या स्पेसिफिकेशन होता है, कैसे हम लेथ मशीन को स्पेसिफाई करते हैं। और उसके बाद ऑपरेशन परफॉर्म्ड ऑन लेथ मशीन, लेथ मशीन के ऊपर कौन कौन से हम ऑपरेशन करते हैं, इन पर हम बात करेंगे। ठीक है, तो आज के इस पूरे सेशन के बाद फ्रेंड्स आप लोग जो इस नॉलेज को जो आप गेन करेंगे वो क्या नॉलेज होगा, क्या उसका आउटकम होगा। आज के इस सेशन के बाद आउटकम क्या होगा, आप लेथ मशीन के आइडेंटिफिकेशन को समझ पाएंगे, इसके आइडेंटिफिकेशन को आप जान पाएंगे कि आप इसको बहुत इजीली, अगर सारी मशीनों के बीच में रखी हुई है आप इसको बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे। इसके वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में जान पाएंगे, आप ये जान पाएंगे कि हमारी जो लेथ मशीन होती है वो किस तरीके से काम करती है, इसका डिस्क्रिप्शन क्या है और इसके डिफरेंट पार्ट्स क्या हैं और उन सभी पार्ट्स का क्या क्या यूज होता है। ठीक है, और उसके बाद आप स्पेसिफिकेशन के बारे में जानेंगे और उसके बाद इस लेथ मशीन के ऊपर कौन कौन से ऑपरेशंस किए जाते हैं उनके बारे में आप जान पाएंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लेथ मशीन के इंट्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। इन द मैकेनिकल इंजीनियरिंग फील्ड लेथ मशीन इज इम्पॉर्टेंट रोल इन मैन्युफैक्चरिंग। मैकेनिकल इंजीनियरिंग फील्ड में, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में लेथ मशीन का एक बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है, बहुत महत्वपूर्ण इसका रोल है। ठीक है, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि लेथ मशीन को मदर ऑफ मशीन भी कहा जाता है। मदर ऑफ मशीन इसको हम इसलिए कहते हैं क्योंकि जितनी भी सारी वर्कशॉप में मशीनरी होती हैं, ठीक है, चाहे वो स्लॉटर मशीन हो, प्लेनर मशीन हो, सेपर मशीन हो, ठीक है, या और कोई मशीन हो, तो उन सभी मशीनों में सबसे पहले अगर इंजीनियरिंग फील्ड में सबसे पहले लेथ मशीन का ही इन्वेंशन हुआ और लेथ मशीन से ही हम लोगों ने काम करना सीखा है, इसलिए इस मशीन को हम लेथ मदर ऑफ मशीन भी कहते हैं। लेथ मशीन रिफर टू अ मशीन टूल, इट्स रिमूव टू अनवांटेड मेटल फ्रॉम द वर्क पीस, गिव डिजायर्ड शेप एंड साइज। लेथ मशीन जो होती है ये किसी भी वर्क पीस से अनवांटेड मटेरियल को रिमूव करती है और उसके बाद ये एक निश्चित शेप और साइज प्रदान करती है, वो जो हम प्रोडक्ट बनाने वाले हैं उसके अनवांटेड मटेरियल को, अनावश्यक मटेरियल को रिमूव करने के बाद ये उस पार्ट को बनाती है। उसके बाद देखिए लेथ मशीन का एक फिगर आपको दिखाया गया है। ठीक है, इस लेथ मशीन के फिगर में आप ये देख पा रहे होंगे कि ये एक आपको ये लेथ मशीन दिखाई गई है। ठीक है, देखिए एक लेथ मशीन आपको दिखाई गई है, ये एक सेंट्रल लेथ मशीन है, इसको हम इंजन लेथ या सेंट्रल लेथ भी कहते हैं। सेंट्रल लेथ इसलिए है क्योंकि एक कंप्लीट लेथ मशीन है, वर्कशॉप में या टूल रूम में, मशीन शॉप में प्रायः इसी मशीन का प्रयोग किया जाता है और इस मशीन में सारे पार्ट्स होते हैं और हम इससे सारे बेसिक ऑपरेशन और कुछ अगर अटैचमेंट हम लगा सकते हैं तो अटैचमेंट लगा करके इसके हम और दूसरे ऑपरेशन भी हम इस मशीन के द्वारा कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, आइए इसके प्रिंसिपल के बारे में बात कर लेते हैं। लेथ मशीन का क्या प्रिंसिपल होता है,
लैथ मशीन इज अ मशीन टूल विच होल्ड द वर्क पीस बिटवीन सेंटर्स आर एनी होल्डिंग डिवाइस विच रिवॉल्व। लैथ मशीन एक प्रकार की मशीन टूल है जो कि अपने दोनों सेंटर्स के बीच में, जो कि लाइव सेंटर और डेड सेंटर होते हैं, उनके बीच में किसी वर्क पीस को ये होल्ड करती है, और इसके अलावा ये किसी होल्डिंग डिवाइस में भी होल्ड कर सकती है। और ये इसका जो होल्डिंग डिवाइस जो होता है, या इसके जो इसका जो सेंटर लाइव सेंटर होता है, वो रिवॉल्व करता है। मतलब इसका लेथ मशीन का जो स्पैंडल होता है, स्पैंडल इसका रिवॉल्व होता है। द कटिंग टूल इज रिजिडली होल्ड इनटू द टूल पोस्ट व्हिच इज फेड अगेंस्ट द वर्क पीस। और इसका जो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल होता है, जिसको हम टूल पोस्ट में होल्ड करते हैं, ये किसी वर्क पीस को इसके द्वारा फीड दिया जाता है। नॉर्मल कटिंग ऑपरेशन परफॉर्म्ड विद द क्रॉस फीड टू द एक्सिस ऑफ वर्क, क्रॉस फीड आर पैरेलल फीड टू द एक्सिस ऑफ वर्क। ठीक है, और इसी टूल से, इसी सिंगल पॉइंट कटिंग टूल से हम किसी वर्क को पैरेलल फीड या क्रॉस फीड दे करके हम उस वर्क पीस की कटिंग करते हैं और कोई भी डिजायर्ड शेप हम प्राप्त कर सकते हैं। ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि लेथ मशीन हमारी एक ऐसी मशीन टूल है जिसके सेंटर्स में या इसके होल्डिंग डिवाइस में किसी भी जॉब को होल्ड करके ये रिवॉल्व करती है, और इसका जो कटिंग टूल होता है, जो कि रिजिड होता है, स्थिर होता है, और वो टूल पोस्ट में होल्ड किया जाता है, और इसी टूल के द्वारा किसी अपने वर्क पीस को पैरेलल या क्रॉस फीड देते हुए हम अनवांटेड मटेरियल को रिमूव करते हैं और कोई भी डिजायर्ड शेप प्राप्त कर पाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा लेथ मशीन का वर्किंग प्रिंसिपल है। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये दो सेंटर्स हैं। ठीक है, ये हेड स्टॉक में आपका ये लाइव सेंटर लगेगा, टेल स्टॉक में आपका डेड सेंटर लगेगा, और इन सेंटर्स के बीच में आपने एक सिलिंड्रिकल जॉब को होल्ड किया हुआ है, और ये आपका टूल पोस्ट है जिसमें आपका टूल लगा हुआ है, और इसी टूल से आप अपने वर्क पीस को पैरेलल फीड या लॉन्गिट्यूडनल फीड देते हुए या क्रॉस फीड देते हुए हम इस पर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, देखिए ये एक लेथ मशीन दिखाई गई है, और इस लेथ मशीन से ये लेथ मशीन एक दिखाई गई है, इसी लेथ मशीन से हम कोई भी एक डिजायर्ड शेप प्राप्त करते हैं। तो आइए हम अब इसके इसके डिफरेंट पार्ट्स के बारे में बात करेंगे। देखिए, जो हमारी लेथ मशीन होती है, इसको अगर हम पूरी तरीके से इसके सारे पार्ट्स को डिस्क्राइब करें तो इसको हम मेनली चार सेक्टर में डिवाइड करेंगे। पहला होता है हमारा हेड स्टॉक, जैसे ये पोर्शन हमारा, ये पोर्शन जो लेफ्ट साइड में होता है, ये हमारा हेड स्टॉक होता है। ठीक है, और इधर पे जो ये पोर्शन होता है राइट साइड में, ये टेल स्टॉक होता है। बीच में ये जो पोर्शन होता है, ये हमारा कैरेज कहलाता है। और ये जो तीनों भाग होते हैं, हेड स्टॉक, टेल स्टॉक और कैरेज, ये बेड के ऊपर इंस्टॉल होते हैं, बेड के ऊपर होल्ड होते हैं, तो ये बेड भी एक हमारा पार्ट होता है। तो इस तरीके से मेन ये चार सेक्टर होते हैं इस मशीन के, चार सेक्टर में हम इसके पार्ट्स को डिवाइड करते हैं। और अब हम आइए एक एक इसके सेक्टर्स के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हमारा हेड स्टॉक है। हेड स्टॉक जो बेसिकली हमारा लेफ्ट साइड में पोर्शन लगा हुआ है, तो हेड स्टॉक हमारा लेथ मशीन को के ड्राइविंग मैकेनिज्म के लिए जिम्मेदार होता है। बेसिकली ये मशीन को ड्राइव करता है। इसमें जो भी ड्राइविंग सिस्टम होता है लेथ मशीन का, वो चाहे कोन पुली ड्राइव हो या ऑल गेट ड्राइव हो, ये सारा, ये आपका पूरा सिस्टम ये हेड स्टॉक में लगा होता है। ठीक है, और हेड स्टॉक में एक स्पैंडल लगा होता है, और ये आप देख पा रहे हैं ये स्पैंडल है, और इसी स्पैंडल में यहाँ पर एक लाइव सेंटर लगाया हुआ है, यहाँ पर डेड सेंटर लगाया हुआ है। अगर आपको इन सेंटर्स के बीच में जॉब को होल्ड करना है, जो कि आपका लाइव सेंटर है और डेड सेंटर है, इन सेंटर्स के बीच में जॉब को होल्ड करना है, तो आप लाइव सेंटर और डेड सेंटर लगाएंगे। अदरवाइज अगर आपको किसी होल्डिंग डिवाइस में अपने जॉब को होल्ड करना है, तो फिर आप क्या करेंगे, इस लाइव सेंटर को निकाल देंगे, और लाइव सेंटर को निकाल करके इस स्पंडल के ऊपर आप अपने 3D चक या 4D चक को होल्ड करेंगे। इसके अलावा आप फेस प्लेट वगैरह को भी होल्ड कर सकते हैं। ये जो भी आपका होल्डिंग डिवाइस होगा, उस होल्डिंग डिवाइस को आप अपने मशीन के स्पैंडल में होल्ड करेंगे, और यहाँ पर इनको यहाँ पर इसको कंट्रोल करने के लिए, ये देखिए स्पीड कंट्रोल लीवर लगे हुए है,
इस स्पीड कंट्रोल लीवर से आप स्पैंडल की स्पीड को आप कंट्रोल करेंगे। तो ये हमारा हेड स्टॉक का पोर्शन है, ठीक है। इसमें बेसिकली नॉर्टन गियर बॉक्स होता है इसको ड्राइव करने के लिए। और बीच का पोर्शन देखिए, ये जो दूसरा बीच का एक अलग सेपरेट भाग दिख रहा है, ये हमारा कैरिज कहलाता है। बेसिकली कैरिज का क्या फंक्शन होता है, कैरिज का क्या काम होता है, मशीन को ऑपरेशन के दरमियान जॉब को फीड देने के लिए, वर्क पीस को फीड देने के लिए हमारा कैरिज जो पोर्शन बीच में होता है, यही इसका जिम्मेदार होता है। और जो भी हमारा हमारी फीड होती है, चाहे वो लॉन्गिट्यूडनल फीड हो, वो चाहे क्रॉस फीड हो या एंगुलर फीड हो, ये तीनों ही फीडें हम इससे कैरिज के द्वारा दे सकते हैं, ठीक है। तो कैरिज के इसमें कई सारे पार्ट्स इसमें लगे होते हैं। कैरिज को हम मेनली दो भागों में डिवाइड करते हैं, एक हमारा होता है एप्रन और दूसरा होता है सैडल। सैडल जो भाग होता है ये हमारा बेड के ऊपर लगा होता है, जो कि एच के आकार का होता है। और इस सैडल के ऊपर सबसे पहले ये क्रॉस स्लाइड लगी होती है, और क्रॉस स्लाइड में एक स्पैंडल होता है जिसमें हम क्रॉस फिट देते हैं। इस क्रॉस स्लाइड के ऊपर आप देख रहे हैं एक एक कंपाउंड रेस्ट है, और कंपाउंड रेस्ट को कंपाउंड रेस्ट से हम जब एंगुलर जब हम टेपर कटिंग करते हैं कंपाउंड स्लाइड से, हम उसे फिट देंगे, ठीक है। और इस कंपाउंड स्लाइड के ऊपर यहाँ पर एक टूल पोस्ट लगा हुआ है, और इसी टूल पोस्ट में आप अपने टूल को होल्ड करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा कैरिज का भाग है, इसको और डिटेल में आगे समझाया गया है, आप आगे फिर इसके एक एक पार्ट्स को देख पाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर जो सामने वाला पोर्शन होता है इसको हम एप्रन बोलते हैं, ठीक है। एप्रन ये जो होता है, एप्रन में आपका लॉन्गिट्यूडनल फीड देने के लिए हैंड व्हील लगा होता है, ठीक है। यहाँ पर ट्रांसफर फीड देने के लिए ये व्हील है, और यहाँ पर ये लीवर लगा हुआ है, ठीक है, जो कि थ्रेडिंग करने में इसका यूज होता है। और इसके अलावा जो भी लीवर लगे होते हैं वे इसी एप्रन में लगे होते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए जो राइट साइड में पोर्शन है ये हमारा टेलीस्टॉक कहलाता है। बेसिकली टेलीस्टॉक में हम डेड सेंटर होल्ड करते हैं, या इसके अलावा जब हम किसी चक में जॉब को होल्ड करते हैं, तो अगर हमारा जॉब वाइब्रेट करता है, लंबा जॉब होता है, तो उसको सपोर्ट प्रदान करने के लिए हम टेलीस्टॉक का यूज करते हैं। इसके अलावा जब हम किसी सिलेंड्रिकल जॉब में ड्रिलिंग करते हैं, रीमिंग करते हैं, तो ये मल्टी पॉइंट कटिंग टूल होते हैं, इन कटिंग टूल को टेलीस्टॉक में ही होल्ड किया जाता है। इसके अलावा हम जब हम टेपर कटिंग करते हैं, टेपर टर्निंग करते हैं, तो टेलीस्टॉक ऑफसेट मेथड के द्वारा हम टेलीस्टॉक को ऑफसेट करके टेपर भी काट सकते हैं। तो बेसिकली ये जो हमारा टेलीस्टॉक होता है, इसके तीन फंक्शन होते हैं, किसी भी सिलेंड्रिकल जॉब को सपोर्ट प्रदान करना, ड्रिलिंग और रीमिंग करना, ड्रिलिंग और रीमिंग करते समय मल्टी पॉइंट कटिंग टूल को होल्ड करना, और टेलीस्टॉक ऑफसेट मेथड के द्वारा टेपर टर्निंग करना, ठीक है। तो ये इसके कुछ पार्ट्स हैं। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये आपका ये बेड है, ठीक है, और इसी बेड के ऊपर आपका हेड स्टॉक, टेलीस्टॉक और कैरेज ये सब होल्ड होते हैं। और यहाँ पर ये ट्रे है, इस ट्रे के ऊपर आपका जो चिप्स कटता निकलता है वो इसमें इकट्ठा होता है, और ये इसके लेग हैं, और इन्हीं लेग के ऊपर सारा पूरा जो मशीन का जो पूरा मैकेनिज्म होता है वो सब इसके ऊपर इंस्टॉल होता है। तो ये देखिए लेथ मशीन के पार्ट्स दिखाए गए हैं, हेड स्टॉक, कैरेज, टेलीस्टॉक, बेड, बेस, चक, क्रॉस स्लाइड, कंपाउंड स्लाइड, लीड स्क्रू, फीड रॉड, लाइव सेंटर और डेड सेंटर। हेड स्टॉक के बारे में आपको हम बता चुके हैं, कैरेज भी आपको बता चुके हैं, टेलीस्टॉक, बेड, बेस, ठीक है, चक, ये सारे आप पार्ट्स देख चुके हैं, क्रॉस स्लाइड, कंपाउंड स्लाइड, ये दोनों पार्ट्स आपके कैरिज के ऊपर होते हैं। लीड स्क्रू, देखिए लीड स्क्रू एक भाग होता है, लीड स्क्रू जब हम लेथ मशीन से थ्रेडिंग करते हैं तब लीड स्क्रू, देखिए ये लीड स्क्रू है आपका, ये जो थ्रेडिंग वाला भाग है ये लीड स्क्रू कहलाता है। और इसके नीचे एक एक और रॉड लगी होती है जिसको हम फीड रॉड बोलते हैं, ये हमारी फीड रॉड होती है। तो लीड स्क्रू का काम होता है जब हम थ्रेडिंग करते हैं तब ये लीड स्क्रू काम होता है, लीड स्क्रू तब उसमें ऑपरेट होती है। और फीड रॉड का काम होता है जब हम लेथ मशीन से कटिंग करते समय ऑटोमेटिक फीड देते हैं, तो फीड रॉड उस समय फंक्शन में आती है, उस समय ये काम करती है। उसके बाद देखिए मित्रों एक लाइव सेंटर है, लाइव सेंटर कहाँ पर लगा होता है, लाइव सेंटर देखिए यहाँ पर ये लगा होता है, ये आपका लाइव सेंटर है, जो आपका स्पैंडल है, स्पैंडल में आप ड्राइविंग प्लेट लगा करके तब आप लाइव सेंटर लगाते हैं। और कभी जब लंबे जॉब होते हैं, सिलेंड्रिकल लंबे जॉब होते हैं, तो उनको होल्ड करने के लिए प्रायः हम लाइव सेंटर और
डेड सेंटर का यूज करते हैं, ठीक है। लाइव सेंटर हमारा जॉब के साथ या यूं कहें कि स्पंडल के साथ रोटेट करता रहता है, रिवॉल्व करता रहता है, और जो दूसरी तरफ टेलीस्टॉक में जो सेंटर लगा हुआ है ये हमारा डेड सेंटर होता है और ये हमारा स्थिर रहता है, ये जॉब के साथ रोटेट नहीं करता है, ठीक है। और ये हमारे इस तरीके से इसके पार्ट्स हो जाते हैं। उसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं, ये देखिए पार्ट्स हमारा कैरिज दिखाया गया है, ये देखिए कैरिज है, इसको आप यहाँ पे डिटेल में देख पाएंगे। देखिए कैरिज बेसिकली जैसा कि हम पीछे बता चुके हैं, कैरिज जो हमारा होता है लेथ मशीन का, ये फीड देने के लिए, वर्कपीस को फीड देने के लिए जिम्मेदार होता है। देखिए यहाँ पर ये बेड दिखाया गया है, ये बेड है और बेड के ऊपर ये जो भाग दिख रहा है आपका बड़ा सा, बेड के ठीक जस्ट ऊपर ये हमारा सैडल होता है, ठीक है, और ये सामने का भाग एप्रन होता है। सैडल के ऊपर ही हमारा क्रॉसलाइड लगा होता है, ये हमारी क्रॉसलाइड है, और इस क्रॉसलाइड के ऊपर यहाँ पर ये एक कंपाउंड व्हील है, ठीक है, और इसके ऊपर ये कंपाउंड रेस्ट लगा हुआ है, और कंपाउंड रेस्ट के ऊपर ये कंपाउंड रेस्ट है आपका, और ये कंपाउंड स्लाइड है, ये कंपाउंड स्लाइड है, ठीक है, ये कंपाउंड स्लाइड होगी, और कंपाउंड स्लाइड के ऊपर आपका ये टूल पोस्ट होता है, और टूल पोस्ट को टाइट करने के लिए, टूल को टाइट करने के लिए इसमें ये टूल पोस्ट हैंडल है, ठीक है, इसी हैंडल का यूज करके आप टूल को टाइट कर सकते हैं। देखिए जब हम किसी भी मशीन को किसी इसमें लेथ मशीन के द्वारा जब हम किसी भी वर्क पीस की फेसिंग करते हैं, तो फेसिंग करते समय हमारा केवल क्रॉस स्लाइड काम करती है, और क्रॉस स्लाइड को हम इस हैंडल के द्वारा हम इसको ऑपरेट करेंगे और क्रॉस फीड देंगे, ठीक है। तब हमारा जो ये सैडल, जो हमारा ये सैडल होता है, इस सैडल को हम लॉक कर देते हैं, इसको मूव नहीं कराते हैं, ठीक है, और केवल क्रॉस स्लाइड ही हमारा इस मशीन के एक्सिस के परपेंडिकुलर या यूं कहिए क्रॉस में, ठीक है, इसको हम फीड देंगे, तब हम फेसिंग करते हैं। ये हमारा एक ऑपरेशन है जिसको आप आगे देखेंगे। उसके बाद देखिए इसके ऊपर ये जो आपका कंपाउंड स्लाइड है, कंपाउंड स्लाइड के नीचे आप देख रहे हैं ये एक व्हील लगा हुआ है, इसको हम कंपाउंड व्हील बोलते हैं, ठीक है, इसमें ग्रेजुएशन कटे होते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, जब हम कभी एंगल में हमें टेपर टर्निंग करनी होती है, तो एंगल में टेपर टर्निंग करने के लिए हम क्या करते हैं कि इस पूरे कंपाउंड रेस्ट को पर्टिकुलर एंगल के ऊपर जीरो से 45 डिग्री लेफ्ट में और जीरो से 45 डिग्री राइट में हम इसको टिल्ट कर देते हैं और फिर हम इसमें फीड देते हैं। तो उससे क्या होता है कि जब आप जो टूल को आप किसी पर्टिकुलर एंगल के ऊपर टिल्ट कर देते हो, तो जो आपका जो आप टर्न होगा वो टेपर में टर्न होगा, और इस तरीके से हम टेपर टर्निंग भी कर सकते हैं, ठीक है। ये जो आपका एक टूल पोस्ट है जो कि स्क्वायर टूल पोस्ट है, इसमें देखिए ये दो प्लेटें हैं, एक नीचे प्लेट है, एक ऊपर प्लेट है, यहाँ पर तीन बोल्ट लगे हुए हैं, इसी के बीच में आप अपने सिंगल पॉइंट कटिंग टूल को होल्ड करेंगे, इन बोल्ट से टाइट करेंगे, और फिर आप कोई भी मशीनिंग ऑपरेशन कर सकते हैं, और इसको हम इधर उधर घुमा भी सकते हैं टूल पोस्ट को, इसके लिए इसको लूज करने के लिए, टाइट करने के लिए ये टूल पोस्ट हैंडल लगा हुआ है। तो ये हमारे इसके कैरेज के पार्ट्स हैं, ठीक है। उसके बाद आइए देखते हैं लेथ मशीन का स्पेसिफिकेशन क्या होता है। हम जब लेथ मशीन को स्पेसिफाई करेंगे या लेथ मशीन का जब हम डिमांड करेंगे, लेथ मशीन को जब हम मार्केट से परचेज करने जाएंगे, तो हम किन किन बातों को ध्यान में रखेंगे, कैसे हम लेथ मशीन को परचेज करेंगे, क्योंकि हम जो भी हम जॉब बनाते हैं अपने वर्कशॉप में इंडस्ट्री में, तो अपने जॉब के अकॉर्डिंगली ही हमें लेथ मशीन का परचेज करना चाहिए, ठीक है। अगर आप रफ मशीनिंग करते हो, रफ काम करते हो, तो वहां पर आपको टूल रूम लेथ मशीन नहीं लेनी चाहिए, आपको नॉर्मल लेथ मशीन लेनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से जब हम लेथ मशीन को स्पेसिफाई करेंगे, परचेज करेंगे, तो हम कैसे इसका साइज निर्धारित करते हैं, किस तरीके से हम इसको डिमांड करते हैं, क्या इसके बेस होते हैं, आइए हम इस पे बात करते हैं। वैसे तो कई इसके बेस होते हैं, कई इसको स्पेसिफाई करने के पैरामीटर होते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ पैरामीटर दिए गए हैं। पहला है लेथ बिटवीन सेंटर्स, जो हमारा सेंटर होता है, जो हमारे सेंटर हैं, जैसे लाइव सेंटर और डेड सेंटर, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये हमारा लेथ मशीन का
स्पेसिफिकेशन है, तो देखिए ये हमारा लाइव सेंटर है और ये हमारा डेड सेंटर है, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स, इस सेंटर्स के अकॉर्डिंगली आप लेथ मशीन को आप परचेज करोगे। जितना ये मैक्सिमम ये डिस्टेंस होगी, उतनी ही डिस्टेंस का आप जाब, उतना ही लंबाई का जाब आप इसमें होल्ड कर सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा लंबा जाब है तो आपको अधिक और लंबी मशीन लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो जनरली इसको हम बोलते हैं कि 15 फिट की मशीन है, या 18 फिट की मशीन है, या 16 फिट की मशीन है, या 20 फिट की मशीन है। जनरली इंडस्ट्री में इस तरीके से इन वर्ड्स में जाना जाता है, ठीक है। तो ये जो हमारा पैरामीटर है लेंथ बिटवीन सेंटर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है। उसके बाद है हाइट ऑफ सेंटर्स। देखिए लेथ मशीन की हाइट क्या होती है, हाइट ऑफ सेंटर्स क्या है, ये जो हाइट है हमारी, ये डेड सेंटर है हमारा, ठीक है। बेड से इसकी क्या हाइट होती है, ठीक है, ये बेड से इसकी हाइट क्या है, इसको हम सेंटर डिस्टेंस बोलते हैं, हाइट ऑफ सेंटर्स बोलते हैं, ठीक है, इसको हम हाइट ऑफ सेंटर्स बोलेंगे। उसके बाद देखें स्विंग ओवर बेड, मतलब इस अपने हम सेंटर्स पर कितना अधिक डायमीटर का जॉब होल्ड कर सकते हैं, और उस जॉब को होल्ड करके हम इसको बेड के ऊपर रोटेट करा सकते हैं, इसको हम बोलते हैं स्विंग ओवर बेड, ठीक है। बेड के ऊपर अधिकतम कितने, मैक्सिमम कितने डायमीटर का जॉब होल्ड हो सकता है, उसको हम स्विंग ओवर बेड बोलते हैं। उसके बाद देखिए स्विंग ओवर कैरेज, कैरेज के ऊपर हम मैक्सिमम कितने डायमीटर का जॉब होल्ड कर सकते हैं, होल्ड करके हम इसको रोटेट करा सकते हैं, स्विंग करा सकते हैं, इसको हम बोलते हैं स्विंग ओवर कैरेज। यहाँ पर देखिए ये जो बेसिकली मशीन दिखाई गई है, मशीन का जो स्पेसिफिकेशन दिखाया गया है, ये गैप बेड है। देखिए गैप बेड जो हमारा होता है, ये हर मशीनों में नहीं होता है, हर मशीनों में अगर हमें डिमांड करनी है, हमें लेना है गैप बेड वाली मशीन, तो आप गैप बेड वाली मशीन ले सकते हो। इस गैप बेड वाली मशीन में क्या होता है कि यहाँ पर ये जो हमारा ये गैप होता है, ये बेड के नीचे भी कुछ गहराई में गैप बना होता है। इससे हमें ये एडवांटेज मिलता है कि बेसिकली हम जो हाइट बिटवीन सेंटर, जो हमारी हाइट ओवर बेड है, ठीक है, स्विंग ओवर बेड है हमारा, इसको हम अधिक डायमीटर का जॉब हम इसमें होल्ड कर सकते हैं, अधिक डायमीटर का जॉब हम अपने चक में होल्ड करके इसको स्विंग करा सकते हैं, इसलिए हम गैप बेड वाली मशीन को प्रेफर करते हैं, ठीक है। अगर गैप बेड वाली मशीन को आपको नहीं लेना है, तो आप गैप बेड वाली मशीन लीजिए, और यहाँ पर इसको फिल करने के लिए एक एडिशनल बेड आता है, उसको आप लगा करके इसको नॉर्मल मशीन भी बना सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे ये पैरामीटर होते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर जो स्पैंडल है हमारा, जो कि हेडस्टॉक में लगा होता है, कभी कभी जब अधिक लंबा जॉब होता है तो हम क्या करते हैं, स्पैंडल हमारा पूरा हालो होता है, और इसमें हम पीछे से हम इसमें अपने जॉब को इसके अंदर इंसर्ट करके, और आगे यहाँ पर चक से इसको हम होल्ड कर लेते हैं। तो कहने का मतलब ये होता है कि हमारा जो बोर होता है स्पैंडल का, वो कितना मैक्सिमम डायमीटर का बोर है, तो जितना उसमें बोर होगा उससे कम साइज का ही जॉब आप उसके अंदर इंसर्ट कर पाएंगे, ठीक है, उससे अधिक नहीं कर पाएंगे। तो आपको एक पैरामीटर ये भी ध्यान में रखना पड़ता है कि जो मशीन है हमारी, उस मशीन का स्पैंडल का बोर क्या है, मैक्सिमम बोर डायमीटर ऑफ स्पैंडल, मतलब स्पैंडल का बोर कितने डायमीटर का है, तो उससे हम उसके अंदर उस डायमीटर के या उससे कम डायमीटर के जॉब को हम उसमें होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ हमारे मेन पैरामीटर्स हुए जिनके आधार पर हम अपनी मशीन को डिमांड करते हैं, हम अपनी मशीन को स्पेसिफाई करते हैं, ठीक है। अब आइए फ्रेंड्स, हम लेथ मशीन के द्वारा कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म हो सकते हैं, हम उन पर बात करते हैं। लेथ मशीन के द्वारा हम बहुत सारे ऑपरेशन कर सकते हैं, जिसमें से कुछ बेसिक ऑपरेशन होते हैं और कुछ उसमें हम अलग से स्पेशली अटैचमेंट लगा करके हम वो ऑपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर कुछ ये बेसिक ऑपरेशंस दिए गए हैं। इसके अलावा जो हमारे स्पेशल या स्पेसिफिक ऑपरेशन होते हैं, जैसे ग्राइंडिंग ऑपरेशन होता है, मिलिंग ऑपरेशन होता है, हम कीवेज कटिंग ऑपरेशन होता है, गियर कटिंग ऑपरेशन होता है, तो इन ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए हमें अटैचमेंट लगाना पड़ता है, तो हम उस अटैचमेंट को लगा करके हम वो ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो आइए हम इन ऑपरेशंस के बारे में बात करते हैं, कौन कौन से ऑपरेशन हम कर सकते हैं, फेसिंग कर सकते हैं इससे हम,
टर्निंग कर सकते हैं, ड्रिलिंग कर सकते हैं, रीमिंग कर सकते हैं, काउंटर बोरिंग कर सकते हैं, बोरिंग कर सकते हैं, चैम्फरिंग कर सकते हैं, नर्लिंग कर सकते हैं, ग्रूविंग कर सकते हैं, फॉर्मिंग ऑपरेशन कर सकते हैं, टेपर टर्निंग कर सकते हैं, असेंट्रिक टर्निंग कर सकते हैं, थ्रेडिंग कर सकते हैं, पार्टिंग ऑफ कर सकते हैं और स्पिनिंग ऑपरेशन हम ये मेन हमारे कुछ ऑपरेशन है, स्पिनिंग ऑपरेशन हम कर सकते हैं। ठीक है, इसमें स्पिनिंग ऑपरेशन जो होगा हमारा वो उसके लिए अलग से सेपरेट मशीन आती है, स्पिनिंग मशीन आती है, स्प्रिंग लेस मशीन आती है, हम उसमें करते हैं। आइए हम इसमें देखते हैं, कुछ हमारे यहाँ पर कुछ व्यूज दिए गए हैं इसके ऑपरेशंस के। देखिए ये जो ऑपरेशन है ये फेसिंग ऑपरेशन किया जा रहा है, फेसिंग ऑपरेशन है ये हमारा टेपर टर्निंग ऑपरेशन है। ठीक है, इसके बाद ये काउंटर कंटूर टर्निंग ऑपरेशन है। ठीक है, कंटूर टर्निंग के बाद देखिए ये चैम्फरिंग ऑपरेशन है, ये पार्टिंग ऑफ है। ठीक है, और ये बोरिंग ऑपरेशन है, ड्रिलिंग ऑपरेशन है, नर्लिंग ऑपरेशन है। ठीक है, इस तरीके से ये हमारे कुछ ऑपरेशंस हैं जिनको हम कर सकते हैं। आइए देखते हैं इसमें, अब वन बाय वन हम देखेंगे कि कैसे हम ऑपरेशन करते हैं। सबसे पहले देखिए ये जो ऑपरेशन दिया गया है, ये जो ऑपरेशन दिखाया गया है ये हमारा फेसिंग ऑपरेशन होता है। फेसिंग क्या होता है बेसिकली देखिए, किसी भी सिलेंड्रिकल जॉब को हम किसी भी चक में होल्ड करके उसके सिरे को फेस करना, उसके सिरे को प्लेन करना फेसिंग कहलाता है। और इस ऑपरेशन के अंतर्गत हम उस रॉड की, हम उस शाफ्ट की, हम उस जॉब की लेंथ को कम करते हैं। ठीक है, फिर से समझिए, ये जो हम फेसिंग ऑपरेशन होता है, फेसिंग ऑपरेशन के अंतर्गत हम किसी भी सिलेंड्रिकल जॉब के फेस को, सिलेंड्रिकल जॉब के एंड सिरे को प्लेन करते हैं, उसकी मशीनिंग करते हैं। इसके अंतर्गत हम इस जो वर्क पीस की लंबाई को कम करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, हम इसमें अपने वर्क पीस को चक में होल्ड करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर आप देखिए सिंगल पॉइंट कटिंग टूल बांधा गया है और इस सिंगल पॉइंट कटिंग टूल्स को हम कटिंग टूल से हम इस फेस को फेस करेंगे, प्लेन करेंगे। ठीक है, ताकि हमारा ये जो फेस है ये बराबर हो जाए, प्लेन हो जाए और इसमें हमारी जो जॉब है, हमारा जो जॉब है इसकी लंबाई, हमारी इस जॉब की लंबाई कम होगी। ठीक है, ये जो ऑपरेशन होता है इसको हम क्रॉस फिट के द्वारा या ट्रांसवर्स फिट के द्वारा हम इसको करते हैं। मतलब इसमें हमारी जो मशीन की एक्सिस होती है या वर्क पीस की जो एक्सिस होती है उसके क्रॉस में फिट देते हुए हम ये ऑपरेशन करते हैं। ये ऑपरेशन हम बाहर से सेंटर की तरफ फिट देते हुए या सेंटर से बाहर की तरफ फिट देते हुए दोनों तरीके से कर सकते हैं। हम जब बाहर से सेंटर की तरफ फिट देते हैं तब वहाँ पर रफ फेसिंग होती है, और जब सेंटर से बाहर की तरफ फिट लाएंगे कटिंग करते हुए, जब हमारा टूल बाहर की तरफ आएगा तब फिनिश फेसिंग होगी। फिर से देखिए, जब हम बाहर से सेंटर की तरफ फिट देंगे तब हमारी रफ फेसिंग होती है, और जब सेंटर से बाहर की तरफ देंगे हम फिट तब हमारी फिनिश फेसिंग होती है। तो इस तरीके से पहले हम रफ फेसिंग करेंगे, उसके बाद हम फिनिश फेसिंग करके फाइनल कट दे करके हम इस ऑपरेशन को कर सकते हैं। ठीक है, तो ये उसके बाद देखिए लेथ मशीन का जो हमारा मेन ऑपरेशन होता है ये हमारा टर्निंग होता है। टर्निंग के अंतर्गत फ्रेंड्स क्या करते हैं, हम अपने किसी भी वर्कपीस को जिसको हमें टर्निंग करना है, बेसिकली हमारा जो इसमें वर्कपीस होता है लगभग 80% जॉब हम इसमें सिलेंड्रिकल जॉब की मशीनिंग करते हैं। लेथ मशीन का ये कॉन्सेप्ट होता है कि इसके अंतर्गत हम लगभग 80% जो हम जॉब होल्ड करते हैं वो हमारा सिलेंड्रिकल जॉब होता है, और बाकी जो 20% होता है उस 20% के अंदर हम और अपने किसी भी हेक्सागोनल है या स्क्वायर है या और किसी शेप के जॉब को हम होल्ड करके मशीनिंग करते हैं। तो देखिए, अपने हम जॉब को इसमें जो भी हमारा सिलेंड्रिकल जॉब होता है जिससे हमें एक्सेस मटेरियल को रिमूव करना है, इन ट्रेनिंग ऑपरेशन द एक्सेस मटेरियल टू बी रिमूव फ्रॉम द सरफेस ऑफ द वर्क पीस टू सिलेंड्रिकल सरफेस ऑफ डिजायर्ड शेप एंड साइज। डिजायर्ड शेप और साइज प्राप्त करने के लिए हम इस वर्क पीस से एक्सेस मटेरियल को या अनवांटेड मटेरियल को रिमूव करके हम एक डिजायर्ड शेप, एक डिजायर्ड साइज प्राप्त कर सकते हैं। और इस प्रोसेस के अंतर्गत हम इस अपने वर्कपीस के डायमीटर को कम करते हैं। ठीक है, जितने भी डायमीटर का हम वर्कपीस लेते हैं, मान लीजिए हमने 20 डायमीटर का वर्कपीस लिया है
तो जब हम मशीनिंग करेंगे इस वर्कपीस की तो इसका डायमीटर निश्चित सी बात है कि 20 से इसका डायमीटर कम ही होगा। वो 18 भी कर सकते हैं, 19 भी कर सकते हैं, 15 भी कर सकते हैं, कितना भी जो इतना भी आपको करना है वो हम कम कर सकते हैं। तो ये हम टर्निंग ऑपरेशन के द्वारा करते हैं, और टर्निंग ऑपरेशन में जो हम फीड देते हैं वो लॉन्गिट्यूडनल फीड होती है, जिसमें हम टेल स्टॉक से हेड स्टॉक की तरफ फीड देते हैं या हेड स्टॉक से टेल स्टॉक की तरफ फीड देते हैं। दोनों तरफ हम फीड दे सकते हैं। जनरली हम टेल स्टॉक से हेड स्टॉक की तरफ फीड देते हैं। और यहाँ पर हमारा जो होल्डिंग डिवाइस होता है, कई तरीके के होल्डिंग डिवाइस होते हैं, जो इसमें हमारा 3D चक भी हो सकता है, 4D चक भी हो सकता है, फेस प्लेट भी हो सकती है, और डेड सेंटर और लाइव सेंटर भी हो सकते हैं। ठीक है, किसी भी तरीके के होल्डिंग डिवाइस में हम अपने जॉब को होल्ड करेंगे और फिर सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के द्वारा हम इसकी मशीनिंग करके इसके एक्सेस मटेरियल को रिमूव करेंगे और डिजायर्ड शेप और साइज प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, ये भी दो तरीके से होगी, एक होगी फिनिश टर्निंग, एक होगी रफ टर्निंग और दूसरी होगी फिनिश टर्निंग। फ्रेंड्स, पहले हम इसमें रफ टर्निंग करेंगे, उसके बाद हम फिनिश कर देते हुए इसकी हम फिनिश टर्निंग करेंगे। उसके बाद देखिए अगला ऑपरेशन ये ड्रिलिंग दिखाया गया है। ड्रिलिंग के अंतर्गत क्या होता है, ड्रिलिंग के अंतर्गत देखिए एक हमारा जो सिलेंड्रिकल पीस है, उस सिलेंड्रिकल पीस को हम अपने 4D चक में होल्ड करेंगे, 4D चक या 3D चक में होल्ड करेंगे, और जो हमारा कटिंग टूल हमारा यहाँ पर ड्रिल होगा, और इस ड्रिल को टेलीस्टॉक में जो बैरल लगा होता है, स्लीव लगी होती है, उसमें हम ड्रिल चक के माध्यम से हम इसको होल्ड करेंगे, और टेलीस्टॉक में पीछे की तरफ जो व्हील लगा होता है जिससे हम फीड देते हैं उसको, उसके द्वारा हम इसको फीड देते हुए हम इसमें टर्निंग का ऑपरेशन कर पाएंगे, सॉरी हम इसमें ड्रिलिंग ऑपरेशन कर पाएंगे। तो बेसिकली ये जो ऑपरेशन है हमारा ड्रिलिंग, या इसके आगे अगला जो ऑपरेशन होगा वो रिमिंग होगा, इसकी इसमें हम जो हमारा मल्टी पॉइंट कटिंग टूल होता है उसको हम टूल पोस्ट में ना होल्ड करते हुए हम उसको टेलीस्टॉक के बैरल में होल्ड करते हैं, ड्रिल चक की सहायता से या डायरेक्ट इसके बैरल में होल्ड कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ऑपरेशन ड्रिलिंग कहलाता है। ठीक है, ठीक है, ड्रिलिंग के बाद देखिए ये रिमिंग ऑपरेशन है। रिमिंग ऑपरेशन भी हम उसी तरीके से लगभग करते हैं। रिमिंग ऑपरेशन में भी हम जॉब को अपने किसी भी होल्डिंग डिवाइस में होल्ड करेंगे, और जो हमारा रिमर होता है उस रिमर को हम टेलीस्टॉक में होल्ड करेंगे, टेलीस्टॉक के बैरल में होल्ड करेंगे। ठीक है, उससे हम रिमिंग ऑपरेशन करेंगे। फ्रेंड्स, जब हम रिमिंग करते हैं तो हम अपने टूल को अपने जॉब को हम केवल एक ही डायरेक्शन में रोटेट कराएंगे। ठीक है, ताकि हम अच्छी फिनिश प्राप्त कर सकें। और रिमिंग क्या होगा हमारा, रिमिंग क्या होता है, रिमिंग इज ऑलवेज परफॉर्म्ड आफ्टर ड्रिलिंग ऑपरेशन। रिमिंग ड्रिलिंग ऑपरेशन के बाद में किया जाता है, पहले हम ड्रिलिंग ऑपरेशन करते हैं उसके बाद हम रिमिंग ऑपरेशन करते हैं। इट इज प्रोड्यूस फिनिश एंड एक्यूरेट साइज होल आफ्टर ड्रिलिंग प्रोसेस। ड्रिलिंग प्रोसेस के द्वारा ये जो हम ड्रिल करते हैं उसको एक्यूरेट साइज में और फिनिश करने की ये प्रोसेस होती है रिमिंग। रिमिंग इज हेल्ड इन द टेलीस्टॉक टू कैरी आउट रिमिंग ऑपरेशन। ठीक है, टेलीस्टॉक में हम रिमर को होल्ड करके हम रिमिंग ऑपरेशन करते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला ऑपरेशन है हमारा काउंटर बोरिंग। काउंटर बोरिंग फ्रेंड्स क्या होता है, काउंटर बोरिंग का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ बोरिंग अ होल टू मोर देन 1 diameter ऑन द सेम एक्सिस इज कॉल्ड काउंटर बोरिंग। दिस ऑपरेशन इज परफॉर्म्ड बाय बोरिंग टूल। देखिए, जब हम किसी भी जॉब में बोर करते हैं, उस बोर को कुछ डेप्थ तक, कुछ गहराई तक हम अगर इनलार्ज करते हैं, बड़ा करते हैं, तो उसको हम काउंटर बोरिंग कहते हैं। और काउंटर बोरिंग करने के लिए हमारा बोरिंग टूल होता है, और उसी बोरिंग टूल से हम काउंटर बोरिंग करते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला ऑपरेशन है हमारा बोरिंग। बोरिंग क्या होता है, किसी भी वर्कपीस में ड्रिल करने के बाद ड्रिल किए गए होल को इनलार्ज करने को, बड़ा करने को बोरिंग कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ इनलार्जिंग द होल ऑफ द वर्क पीस इज कॉल्ड बोरिंग। बोर इज कैरी आउट विद द हेल्प ऑफ सिंगल पॉइंट कटिंग टूल।
ये सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के द्वारा बोरिंग ऑपरेशन किया जाएगा। ठीक है, बोरिंग ऑपरेशन करने के लिए आपको जिस सिलेंड्रिकल जॉब में बोरिंग करना है उसमें पहले आप बोरिंग बार को इंसर्ट करने के लिए आप पहले उसमें बोर करेंगे, पहले आप उसमें होल करेंगे। ठीक है, और उस होल को इनलार्ज करके जो भी आपकी बोरिंग बार होती है उससे उससे आप उस बोर को इनलार्ज करके बोरिंग ऑपरेशन करते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए नर्लिंग ऑपरेशन। नर्लिंग ऑपरेशन देखिए फ्रेंड्स क्या होता है। देखिए नर्लिंग, ये अभी तक जो भी ऑपरेशन आपने देखे हैं ये बेसिकली कटिंग ऑपरेशन होते हैं, मेटल रिमूविंग ऑपरेशन होते हैं। लेकिन ये जो हमारा नर्लिंग ऑपरेशन होता है, ये नर्लिंग ऑपरेशन कटिंग ऑपरेशन नहीं होता है। ठीक है, ये एक प्रकार का फार्मिंग ऑपरेशन होता है। इसमें क्या होता है कि जो भी हमारा वर्क पीस होता है, जो भी हमारी रॉड होती है, उस रॉड में हम एक स्ट्रेट लाइनिंग बनाते हैं। हम उस पर स्ट्रेट लाइनिंग या क्रॉस में या डायमंड शेप में, अलग अलग शेप में हम लाइनिंग बनाते हैं। और वो लाइनिंग हम इसलिए बनाते हैं ताकि उस जॉब की हैंडलिंग करते समय उसकी जो ग्रिप है वो ग्रिप अधिक मजबूत हो सके, वो जॉब उसकी जॉब की ब्यूटीनेस बढ़ सके, सुंदर दिख सके, अच्छा दिख सके। ठीक है, तो इसलिए हम नर्लिंग ऑपरेशन करते हैं। नर्लिंग ऑपरेशन इज डन टू प्रोवाइड अ बेटर ग्रिप टू द जॉब, मतलब किसी भी जॉब को बेटर ग्रिप प्रदान करने के लिए नर्लिंग ऑपरेशन किया जाता है। इट इज परफॉर्म्ड बाय द नर्लिंग टूल, ये नर्लिंग टूल के द्वारा किया जाता है। ठीक है, द नर्लिंग टूल इज प्रेस्ड अगेंस्ट द जॉब टू परफॉर्म द नर्लिंग ऑपरेशन। इसमें नर्लिंग टूल को हम क्रॉस फीड दे करके उसको प्रेस करके, एक तरीके से जॉब के ऊपर प्रेस करके, हम ये जो भी लाइनिंग होती है स्ट्रेट लाइनिंग या डायमंड पैटर्न की लाइनिंग या क्रॉस लाइनिंग, हम ये प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए जो हमारा टूल पोस्ट होता है उस टूल पोस्ट में हमारा नर्लिंग टूल होल्ड होगा। और नर्लिंग टूल बेसिकली नर्लिंग टूल हमारा एक रोलर के रूप में होता है। देखिए यहाँ पर ये रोलर दिखाया गया है, और इसी रोलर के ऊपर जिस शेप की नर्लिंग करनी होती है, जैसे स्ट्रेट नर्लिंग करनी है तो इसके ऊपर जो लाइनिंग बनी होगी वो स्ट्रेट लाइनिंग बनी होगी। ठीक है, अगर क्रॉस लर्निंग नर्लिंग करनी है तो उसके लिए आपको दो नर्लिंग टूल यूज करने पड़ेंगे। जो टूल होल्डर होगा उसमें दो नर्लिंग टूल होल्ड होंगे। ठीक है, और वो एक दूसरे के क्रॉस में उसमें लाइनिंग बनी होगी। डायमंड पैटर्न में भी हेलिकल एंगल में, ठीक है, हेलिकली उसमें लाइनिंग बनी होती है, लेफ्ट लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, और इस तरीके से उसमें भी दो रोलर होंगे। ठीक है, उस टूल होल्डर में। ठीक है, इस तरीके से आप इस नर्लिंग टूल से अलग अलग पिच की नर्लिंग कर सकते हैं। और इसके लिए आपके लिए जो आपका जो नर्लिंग टूल होता है उसकी जो पिच होती है उसी पिच की आपकी आप नर्लिंग कर सकते हैं। ये आपका रफ, फाइन और मीडियम, ये तीन तरह का ग्रेड का होगा। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स अगला हमारा जो ऑपरेशन है वो चैम्फरिंग ऑपरेशन है। चैम्फरिंग ऑपरेशन क्या होता है? चैम्फरिंग इज द प्रोसेस ऑफ बेवलिंग द एक्सट्रीम एंड ऑफ द वर्क पीस। इट इज डन इन ऑर्डर टू रिमूव द बर्स टू प्रोटेक्ट द एंड ऑफ द वर्क पीस फ्रॉम द डैमेज्ड एंड टू हैव अ बेटर लुक। देखिए क्या होता है कि जैसे कोई हमारी सिलेंड्रिकल रॉड है, उस सिलेंड्रिकल रॉड को कुछ लंबाई तक चैम्फर करने को, कुछ लंबाई तक बेवल करने को हम चैम्फरिंग कहते हैं। चैम्फरिंग इज द प्रोसेस ऑफ बेवलिंग द एक्सट्रीम एंड ऑफ द वर्क पीस। किसी भी वर्क पीस के एंड सिरे को बेवल करने को हम चैम्फरिंग कहते हैं। बेवल करने से हमें क्या एडवांटेज होता है, क्यों हम करते हैं? इस बेवल करने से क्या होता है कि यहाँ पर जो शार्प एज होती है, बेसिकली ये जो शार्प एज होती है, ये शार्प एज हम रिमूव कर देते हैं ताकि हैंडलिंग में हमें कोई परेशानी ना हो, आसानी से हम इस जॉब को हैंडल कर सकें। या इस रॉड को अगर किसी होल के अंदर आपको इंसर्ट करना है तो ये आसानी से उस होल के अंदर जा सके। ठीक है, इसका जो बर्स किनारे पर होता है वो किसी भी तरीके से कोई ऑब्स्ट्रक्शंस न पैदा करे, और ये देखने में इसका जो लुक होता है वो एक अच्छा लुक दिखाई पड़ता है। ठीक है, इसके लिए हम चैम्फरिंग करते हैं। चैम्फरिंग जनरली 30 डिग्री या 45 डिग्री के एंगल के ऊपर की जाती है। ठीक है, उसके बाद देखिए पार्टिंग ऑफ। देखिए फ्रेंड्स, आप लोग जानते हो कि जब हमें लेथ मशीन से किसी भी जॉब को बनाना होता है तो लेथ मशीन में हम अपने जॉब को केवल एक बार ही होल्ड करते हैं।
और उस एक बार होल्ड करने के बाद उसको फोर द चक में ट्रू करने के बाद हम जब भी उसमें कोई आगे ऑपरेशन करेंगे तो वे ऑपरेशन सारे ऑपरेशन टर्निंग करना है, स्टेप टर्निंग करना है, थ्रेडिंग करना है, ठीक है, टेपर टर्निंग करना है या और भी जितने भी ऑपरेशन आपको करने हैं वो सारे ऑपरेशन करने के बाद फाइनली आपका जब वर्क पीस कंप्लीट हो जाता है तब आप उसकी पार्टिंग करते हो, तब आप उसको मतलब जो भी आपका डिजायर्ड से लेंथ का जो जॉब होता है उसको आप अलग करते हो, ठीक है। तो पार्टिंग ऑफ क्या होता है, इट इज द प्रोसेस ऑफ कटिंग अ वर्क पीस आफ्टर इट हैज बीन मशीन्ड टू द रिक्वायर्ड शेप एंड साइज। आवश्यक शेप और साइज में जॉब को बन जाने के बाद आप इस जॉब को अलग करते हो, इसको हम पार्टिंग ऑफ कहते हैं। और इसके लिए हमारा जो टूल होता है वो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल होता है और ये जो टूल होता है ये हमारा पार्टिंग टूल कहलाता है। ये देखिए यहाँ पर एक टूल दिखाया गया है और इस ऑपरेशन में आप जो फीड देंगे वो ट्रांसवर्स फीड या क्रॉस फीड आप देंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला ऑपरेशन क्या होता है, ग्रूविंग। देखिए किसी भी जॉब में ग्रुप काटना, किसी भी सिलेंड्रिकल जॉब में ग्रुप काटने को ग्रूविंग कहते हैं। ये कैसे होता है, द प्रोसेस ऑफ द क्रिएटिंग अ नैरो स्लॉट ऑन द वर्क पीस इज कॉल्ड ग्रूविंग। किसी भी वर्क पीस में एक नैरो स्लॉट बनाने को ग्रूविंग कहते हैं। जिस शेप का, जिस तरीके का हमें ग्रुप काटना होता है उस तरीके का बेसिकली हम टूल लेते हैं और उससे हम ग्रूविंग कर सकते हैं। हम स्क्वायर ग्रूविंग कर सकते हैं, हम हाफ राउंड ग्रूविंग कर सकते हैं, ठीक है, कि जिस तरीके का हमें ग्रूविंग करना है, ग्रुप बनाना है, उस तरीके का हम टूल लेकर के हम एक तरीके से आप कह सकते हैं कि अपने हम सिलेंड्रिकल जॉब में एक नेक जनरेट करते हैं, एक नेक हम प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। इट इज आल्सो नोन एज अ रेसिंग आर नेकिंग। हम उसमें देखिए यहाँ पर ये हमारा टूल है और ये हमने एक ग्रुप बनाया हुआ है, ठीक है, इसको हम ग्रूविंग कहते हैं। उसके बाद देखिए अगला हमारा ऑपरेशन है फॉर्मिंग ऑपरेशन। फॉर्मिंग ऑपरेशन क्या होता है, इसमें इस ऑपरेशन के अंतर्गत हम एक डिजायर्ड शेप में हम एक मशीनिंग करके हम एक निश्चित एक डिजायर्ड शेप हम प्राप्त करते हैं। और इसके लिए जो हमारा टूल होता है बेसिकली उस टूल को हम उसी शेप में डिजाइन करके उसी शेप में हम बना करके हम वो शेप प्राप्त कर सकते हैं। इट इज अ प्रोसेस इन विच अ कॉन्वेक्स कॉनकेव आर एनी इररेगुलर सरफेस इज फॉर्म्ड ऑन द वर्क पीस विद हेल्प ऑफ फॉर्मिंग टूल। इसमें ये जो टूल हमारा बनेगा, ठीक है, वो हमारा फॉर्मिंग टूल होगा। देखिए जैसे यहाँ पर एक ये ऑपरेशन दिखाया गया है, ठीक है, इसमें ये जो हमारा टूल है, ये हमारा टूल है, ठीक है, इस टूल में ये कॉन्वेक्स सरफेस दिखाई गई है और इस कॉन्वेक्स एज के द्वारा या कॉन्वेक्स पॉइंट के द्वारा हम अपने जॉब में कॉनकेव सरफेस प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार से इसका अपोजिट अगर हमें बनाना है तो हमारा जो टूल होगा, टूल हमारा कॉनकेव होगा और जो हमारी सरफेस होगी उससे हम कॉन्वेक्स सरफेस प्राप्त कर सकते हैं। मतलब जिस शेप का हमें जॉब बनाना है उसके उसी तरीके का हमें टूल डिजाइन करना पड़ेगा और उसके द्वारा हम फीड दे करके क्रॉस फीड देते हुए हम ये ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, ठीक है, इसको हम फॉर्मिंग कहते हैं। उसके बाद देखें टेपर टर्निंग। टेपर टर्निंग फ्रेंड्स क्या होता है, टेपर टर्निंग एक हमारा ये लेथ मशीन का एक मेन ऑपरेशन होता है। हम कई तरीके से टेपर टर्निंग करते हैं। किसी भी सिलेंड्रिकल जॉब को टेपर में या कॉनिकल शेप में टर्निंग करना टेपर टर्निंग कहलाता है। इट इज द प्रोसेस इन विच अ कॉनिकल शेप इन सिलेंड्रिकल कॉनिकल शेप कॉनिकल शेप ऑफ द वर्क पीस ड्यूरिंग टेपर टर्निंग बाय कंपाउंड स्लाइड मेथड फीड इज सेट एन एंगल टू द वर्क पीस। हम अपने किसी भी जॉब में हम अपने किसी सिलेंड्रिकल जॉब में कॉनिकल शेप बना करके हम ये टेपर टर्निंग करते हैं, ठीक है। टेपर कंपाउंड स्लाइड के द्वारा टेपर टर्निंग करते समय हम इसमें ड्यूरिंग टेपर टर्निंग बाय कंपाउंड स्लाइड मेथड फीड इज सेट एन एंगल टू द वर्क पीस। हम एंगल में फीड दे करके टूल को एंगल में फीड देते हुए हम टेपर टर्निंग कर सकते हैं कंपाउंड स्लाइड मेथड के द्वारा टेपर टर्निंग करने में।
देखिए टेपर टर्निंग जो हम करते हैं, ये मेनली हम चार प्रकार से टेपर टर्निंग कर सकते हैं। पहला होता है फॉर्म टूल मेथड, दूसरा होता है कंपाउंड स्लाइड मेथड, तीसरा होता है टेलीस्टॉक ऑफसेट मेथड, और चौथा होता है टेपर टर्निंग अटैचमेंट मेथड। देखिए ये जो हमारे चार मेथड हैं, बेसिकली इन्हीं के द्वारा हम अलग अलग तरीके की टेपर टर्निंग कर सकते हैं, चाहे वो इंटरनल टेपर हो या एक्सटर्नल टेपर हो। ठीक है, इससे हम दोनों तरीके से टेपर टर्निंग कर सकते हैं। देखिए इसमें पहला जो मेथड है हमारा फॉर्म टूल मेथड। फॉर्म टूल मेथड क्या होता है, ये इस मेथड के द्वारा हम सबसे कम लंबाई का टेपर का बना सकते हैं किसी भी जॉब में, किसी भी सिलेंड्रिकल जॉब में सबसे कम लंबाई का टेपर बना सकते हैं। और इसमें जो हमारा टूल होता है, उस टूल को हम जितनी लंबाई में टेपर करते हैं, जितनी लंबाई में हम टेपर टर्निंग करते हैं, इसमें इस मेथड के द्वारा हम उतनी ही लंबाई में हम जॉब को टेपर में कटिंग कर सकते हैं, टेपर में टर्निंग कर सकते हैं। और ये फॉर्म टूल मेथड के द्वारा जब हम टेपर कटिंग करते हैं, टेपर टर्निंग करते हैं, तब हम केवल ट्रांसवर्स फीड देते हैं, केवल क्रॉस फीड देते हैं, पैरेलल फीड या लॉन्गिट्यूडनल फीड हम नहीं देते हैं। और इस कंडीशन में हम अपने शेडल को लॉक करके रखते हैं। ठीक है, और इस फॉर्म टूल मेथड के द्वारा हम केवल एक्सटर्नल टेपर काट सकते हैं। उसके बाद देखें कंपाउंड स्लाइड मेथड। कंपाउंड स्लाइड मेथड एक हमारा ये बहुत ही मेन मेथड होता है जिसके द्वारा हम टेपर टर्निंग करते हैं। पहली चीज़ तो कंपाउंड स्लाइड मेथड जो है, इस कंपाउंड स्लाइड के द्वारा हम जैसा पीछे भी बता चुके हैं कि जो कंपाउंड रेस्ट के नीचे जो हमारी स्वेवल बेस प्लेट होती है, उसमें ग्रेजुएशन बने होते हैं, और इसमें हम कंपाउंड रेस्ट को अलग अलग एंगल के ऊपर सेट करके, चाहे हम लेफ्ट में सेट करें 0 से 45 डिग्री पे लेफ्ट में, या 0 से 45 डिग्री राइट में हम सेट करके हम कंपाउंड स्लाइड मेथड के द्वारा टेपर टर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, कंपाउंड स्लाइड मेथड के द्वारा हम एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों तरीके का टेपर काट सकते हैं, और इससे हम एक जो हमारा अधिक एंगल का टेपर होता है, जिसको हम स्टीप टेपर के नाम से भी जानते हैं, वो कंपाउंड स्लाइड मेथड के द्वारा ही काटा जाता है। स्टीप टेपर का मतलब होता है कि अधिक एंगल का टेपर, अधिक एंगल का टेपर होता है, उसको हम स्टीप टेपर के नाम से जानते हैं। टेलीस्टॉक ऑफसेट मेथड क्या है, टेलीस्टॉक ऑफसेट मेथड में हम अपने सिलेंड्रिकल जॉब को लाइव सेंटर और डेड सेंटर के बीच में पहली बात तो होल्ड करते हैं, और इसमें लाइव सेंटर और डेड सेंटर में होल्ड करने के बाद हमारा जो टेलीस्टॉक होता है, उस टेलीस्टॉक को उसके सेंटर से ऑफसेट करके हम थोड़ा बहुत ऑफसेट करके हम टेपर टर्निंग करते हैं, और इसके द्वारा हम केवल एक्सटर्नल टेपर काटते हैं। टेपर टर्निंग अटैचमेंट मेथड जो होता है, ये सबसे एक्यूरेट टेपर इस मेथड के द्वारा काटा जाता है। जब हमें मास प्रोडक्शन में अधिक जॉब में टेपर टर्निंग करना होता है, तब टेपर टर्निंग अटैचमेंट हम अपनी लेथ मशीन में सेट करेंगे और फिर हम उससे टेपर टर्निंग करेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला ऑपरेशन होता है हमारा थ्रेडिंग। हम लेथ मशीन से किसी भी सिलेंड्रिकल जॉब में इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरीके की थ्रेडिंग कर सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग थ्रेड ऑन अ सिलेंड्रिकल जॉब इज कॉल्ड थ्रेडिंग। किसी भी सिलेंड्रिकल जॉब में थ्रेड बनाने को, किसी भी सिलेंड्रिकल जॉब में थ्रेड बनाने को थ्रेडिंग कहते हैं, और इसके लिए जो हमारा थ्रेडिंग टूल होता है, सिंगल पॉइंट टूल होता है, और इस सिंगल पॉइंट टूल से की सहायता से हम थ्रेडिंग करते हैं। इसके लिए देखिए थ्रेडिंग के लिए यहाँ पर जो लीड स्क्रू बताया था पीछे हमने, अब यहाँ पर लीड स्क्रू का रोल आता है, और इसी लीड स्क्रू की सहायता से हम थ्रेडिंग करते हैं। यहाँ जो हमारा हेड स्टॉक होता है, इस हेड स्टॉक में टम्बलर गियर लगे होते हैं, और उन्हीं टम्बलर गियर के माध्यम से हम लीड स्क्रू को पावर दे करके हम इसको रोटेट कराते हैं। ठीक है, और अलग अलग पिच की हम थ्रेड इस थ्रेडिंग से हम काट सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए असेंट्रिक टर्निंग। असेंट्रिक टर्निंग क्या होता है फ्रेंड्स, देखिए असेंट्रिक टर्निंग मतलब सेंटर से अलग हट करके टर्निंग करना। इसमें क्या होता है कि जैसे कोई भी हमारा सिलेंड्रिकल जॉब है, उस सिलेंड्रिकल जॉब में हमने पहले एक एक्सिस के सराउंडिंग में हमने टर्निंग किया। ठीक है, उसके बाद जो हम उसमें स्टेप टर्निंग, दूसरी जो टर्निंग करेंगे, दूसरा जो हम डायमीटर बनाएंगे, उसका जो सेंटर होगा हमारा, वो उस पहले डायमीटर से अलग हट करके होगा। ठीक है, तो उसी को हम बोलते हैं असेंट्रिक टर्निंग। देखिए ये जो हमने डायमीटर टर्निंग करके बनाया है, इसका जो सेंटर है उसका ये सेंटर है, इसका जो एक्सिस है ये है। ठीक है, और ये जो सेंटर होता है, ये जो हमारा टर्निंग करके हमने सेंटर बनाया है, ये जो टर्निंग करके ये हमने बनाया है, इसका सेंटर या इसकी एक्सिस ये है। मतलब
ये जो दूसरा हमारा टर्निंग होगी, दूसरा जो स्टेप बनेगा वो इस पहले एक्सिस से अलग हट करके होगा। इसी को ये जितना ये डिस्टेंस होती है, जितना हम इस पहले सेंटर से दूसरे सेंटर को, हम दूसरे एक्सिस को डिसलोकेट करते हैं, उसी को हम असेंट्रिसिटी कहते हैं। ठीक है, तो इसके लिए देखिए क्या होता है, ये बेसिकली हमारी क्रैंक शाफ्ट होती है या कैम शाफ्ट होती है, उसमें हम ये असेंट्रिक टर्निंग करते हैं। क्या होता है, इट इज अ टर्निंग ऑपरेशन इन व्हिच टर्निंग इज परफॉर्म्ड एट अ डिफरेंट एक्सिस ऑन अ सिंगल सेटिंग ऑफ द जॉब। इसमें आप ये जॉब को एक ही सेटिंग में अलग अलग एक्सिस के ऊपर टर्निंग करेंगे। मतलब जो भी आपका सिलेंड्रिकल जॉब है उसको आपने मशीन में होल्ड किया, मशीन में आपने एक एक्सिस के सराउंडिंग में आपने उसको टर्निंग किया, उसके बाद जो आप दूसरा स्टेप बनाएंगे, दूसरा जो डायमीटर आप उसमें बनाएंगे, उसमें उसका जो सेंटर होगा वो अलग होगा। ठीक है, ये जो ऑपरेशन होता है ये जनरली क्रैंक शाफ्ट या कैम शाफ्ट में किया जाता है। कैसे करेंगे फ्रेंड्स, इसके लिए देखिए क्या होता है कि हम फोर द चक में हम इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं। देखिए, ये जो हमारा ऑफसेट होता है, मतलब पहले सेंटर से जो दूसरा दूसरे डायमीटर का जो सेंटर होता है, इसकी जो वर्टिकल डिस्टेंस होती है, इसको हम ऑफसेट बोलते हैं या असेंट्रिसिटी बोलते हैं। तो ये जितनी डिस्टेंस होती है, ठीक है, उतनी डिस्टेंस की, उतनी मोटाई की दो प्लेटें हम लेकर के हमारा जो फोर जे चक होता है उसके दो जाज में हम इसको लगा करके टाइट कर देते हैं और फिर हम टर्निंग करते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो हमारा आगे का ये पीस बनेगा उसमें एक तरफ यहाँ पर इतना मटेरियल कटेगा और इधर पे मटेरियल नहीं कटेगा, मतलब हमारा जो जॉब होता है वो डिसलोकेट हो जाता है, तब हम इससे टर्निंग करते हैं। तो इस तरीके से हम ये असेंट्रिक टर्निंग कर सकते हैं। उसके बाद देखिए स्पिनिंग ऑपरेशन। स्पिनिंग ऑपरेशन क्या होता है फ्रेंड्स, इट इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग अ थिन शीट ऑफ द मेटल बाय रिवॉल्विंग द जॉब एट हाई स्पीड एंड प्रेसिंग इट्स अगेंस्ट अ हेड स्टॉक स्पिंडल, सपोर्ट इज आल्सो गिवन फ्रॉम द टेल स्टॉक एंड। ये जो ऑपरेशन होता है, ये ऑपरेशन स्पेशली स्पिनिंग मशीन में, इसके लिए जो लेथ मशीन आती है वो स्पिनिंग लेथ मशीन आती है, उसमें हम करते हैं। देखिए, घरों में जो हमारे किचन वेयर्स होते हैं, जैसे घरों में जो किचन में जो हमारे बाउल होते हैं, ग्लास होते हैं, कटोरियाँ होती हैं, उनको जिस सीट से बनाते हैं, स्टेनलेस स्टील की सीट से बनाते हैं, उसको हम इसी स्पिनिंग प्रोसेस के द्वारा, स्पिनिंग ऑपरेशन के द्वारा स्पिनिंग लेथ मशीन में हम बनाते हैं। देखिए क्या होता है, यहाँ पर देखिए हमारा हेड स्टॉक है और इस हेड स्टॉक में हम ये मैंडल होल्ड करते हैं और ये जो हमारा फॉर्म जिसको आप देख पा रहे हैं, ये हमारा एक उसी तरीके का पीस होता है जिस शेप का हम जॉब बनाने वाले हैं। ठीक है, और उसके बाद ये आप एक सीधी सीधी यहाँ पर एक ये आप एक सीट लेते हो, ये आपने एक सीट लिया जिसका आप वो प्रोडक्ट बनाने वाले हैं और उसके पीछे आपने एक कंप्रेशन पैड लगाया और उस कंप्रेशन पैड के पीछे आपका टेलीस्टॉक लगा होता है। ठीक है, आप देखिए आपका यहाँ पर ये टूल होता है, इस टूल को प्रेस करके, ये भी बेसिकली कटिंग ऑपरेशन नहीं है, ये एक आपका फॉर्मिंग ऑपरेशन है। ठीक है, इस टूल को प्रेस करके और आप ये शेप प्राप्त कर सकते हो, जितना आप इसको प्रेस करते जाओगे और ये सीट आपकी, जो आपने फॉर्म, जो आपने आकार मैंडल का लगाया हुआ है, उसी आकार में आपकी सीट ये जो है फॉर्म होती जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये ऑपरेशन करोगे, आपका हेड स्टॉक रोटेट करता रहेगा और ये टूल आपका इसको, इस सीट को प्रॉपर प्रेस करता रहेगा, जिससे आप वो डिजायर्ड से प्राप्त कर सकते हो। तो इसको हम स्पिनिंग ऑपरेशन कहते हैं। ठीक है, इसके लिए अलग तमाम स्पिनिंग मिल वगैरह होती हैं जो कि इस तरीके के हमारे किचन वेयर्स बनाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे कुछ ऑपरेशन हुए। उसके बाद देखिए, आज का जो हमारा लेक्चर था, इसमें आप इसका कंक्लूजन क्या है, इसमें आपने क्या सीखा अभी तक, इस पूरे लेक्चर में आपने लेथ मशीन के डिस्क्रिप्शन के बारे में पढ़ा, डिस्क्रिप्शन के बारे में जानकारी हासिल किया, इसके डिफरेंट पार्ट्स को समझा आपने और इसके पार्ट्स के वर्किंग के बारे में आपने समझा, कैसे ये पार्ट्स वर्किंग करते हैं, क्या उनका फंक्शन होता है, ठीक है, क्या इनका यूज है और लेथ मशीन का स्पेसिफिकेशन क्या है, कैसे हम लेथ मशीन को स्पेसिफाई करते हैं, इसके बारे में आपने पढ़ा, इसके बारे में आपने जाना और इस लेथ मशीन पर हम कौन कौन से वेरियस ऑपरेशन कर सकते हैं, कौन कौन से हम डिफरेंट ऑपरेशन करते हैं, इन इन सारे ऑपरेशंस के बारे में आपने जानकारी हासिल किया। ठीक है, तो
ये हमारा आज का लेक्चर है और हमें उम्मीद है कि आप सभी को पसंद आया होगा, आप सभी को ये अच्छा लगा होगा। लेथ मशीन के बारे में, ऑपरेशंस के बारे में आपकी जो क्वेरीज होंगी वो दूर हुई होंगी, आपको इससे अच्छी जानकारी मिली होगी। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको हमें आगे कुछ कॉल करना है, आगे किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त करनी है, आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी लिखा हुआ है, हमारा फ़ोन नंबर है 9415522209। ठीक है, हमारी मेल आईडी लिखी हुई है। इसके अलावा आप पर डे की जो भी क्लासेज होती हैं निमी ऑनलाइन एडमिशन पे जा करके आप क्लासेज को देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं और आप अपने इच्छानुसार जो आपको पसंद हो वो क्लास आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा लेक्चर है, लेक्चर रहा आज का फ्रेंड्स। तो इस तरीके से हमारा आज का लेक्चर